मोमी कितनी मुश्किल से हाथ लगे हो बड़ी शूटिंग्स कराते फिरते हो हाँ और ये तुम ये क्या पहनकर आ गए हो मैंने सोचा था कि किसी वैशी मूड में आओगे चिकन का कुर्ता नाफ तक खुला गेरे बाद साटन की धोती फिसलती, फिसलती फिसलती वो गुजर आंखें वो जेट एक्सप्रेशन कुछ भी तो नहीं तुम तो इतने अच्छे बच्चे बनकर आ गए हो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वाइल्ड वैशी गुजर जस्टबिन और आ, 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 जाट तुम तो बहुत अच्छे बच्चे बनकर आ गए कहाँ से आ रहे हो क्या हो रहा है आजकल मैं एक्सक्यूज मी पहले मैं ये बता दूं कि वो कुर्ते वगैरह डेढ़ साल पहले छोड़ दिए मैंने ओके और उसके अलावा ये है कि अभी मैं शूटिंग पे था और शूटिंग करके सीधा यहाँ पहुँच रहा हूँ मम्मी बट डोंट टेक दैट इज़ एन ऑफेंस कि हमारे जो फिल्मी हीरोज़ हैं जैसा तुम हो शान है तुम हम हमारी हीरोइंस के साथ शादी क्यों नहीं करते तुम दोनों ने नॉन फिल्मी लड़कियों से शादियाँ की अब इन हमारी बेचारी ये बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ प्यारी प्यारी अदाकार आए इनके हाथ कौन थामेगा हमारे सियासतदान <laughs> बोलो <laughs> हम बाबरा बेचारी अभी तक बाबरा बेचारी अभी तक इंतज़ार कर रही है पिछले हफ्ते आई हुई थी मेरे पास इसमें यह नहीं है कि किससे इंडस्ट्री uh, की किसी हीरोइन से किसी से शादी क्यों नहीं की इट वाज like, um, बस हो जाता है और वो हो गया मेरे साथ अगर uh, मेरी शादी ना हुई हो होती मैनाज के साथ hmm. तो ऑब्वियसली hmm. uh, किसी ना किसी हीरोइन से ही होती बाद में फिल्मों में तो वैसे ही बहुत सारी होती रहती हैं बट आई वॉज जस्ट वेरी स्वीट गर्ल विद हर वेरी फ्रेंडली अच्छा शी इज अ फ्रेंड एंड

नूर साहब की तरह डिप्लोमेटिक जवाब बिल्कुल ना दो मैं किसी को नहीं बताऊंगी और शीरी भी अपनी ही है नूर साहब का रिलेशन और है मेरा रिलेशन और अच्छा मुझे बताओ कि रीमा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है रीमा इज कैन आई से रीमा इज ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट आई थिंक वंडरफुल जॉब मेकिंग कोई तो सका और जितना आजकल हमारी जिसना फिल्म बन रही हैं लोग क्रिटिसाइज करते हैं hmm. उसके बीच में रीमा की फिल्म को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे hmm. थे पहले hmm. लगने से पहले कि इसने क्या बनाया होगा सो hmm. so, uh, रीमा हैज़ डन इट और शी हैज प्रूव्ड हर सेल्फ एज ए डायरेक्टर ऑल्सो और उसके अलावा रीमा के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसमें एक बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन hmm. बहुत ज़्यादा थी hmm. कि जब उसने फिल्म शुरू की तो उसको था कि मुझे फिल्म बनानी है तुम भी तो गए थे इंडिया फिल्म की थी तुमने भी वहाँ पर तुम बताओ नहीं आ, बिल्कुल खुलना चाहिए और मैं बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी फिल्म भी वहाँ पर जानी चाहिए बिकॉज़ uh, uh, उर्दू जो हिंदी फिल्म वो बनाते हैं जो हम लोग रोज़ घरों में बैठ के देख रहे हैं वो हमारी उर्दू फिल्म से उनकी टेक्निकल वाइज और पैसों की वजह से वो बहुत ग्रैंड होती हैं बहुत बड़ी होती हैं हमारी उर्दू फिल्म से Hmm. आ, लेकिन जो उनकी पंजाबी फिल्म है हमारी पंजाबी hmm. फिल्म जो है हमारी पंजाबी फिल्म उनकी पंजाबी फिल्म से बहुत बेहतर है hmm. अभी भी hmm. और वो लोग देखते हैं हमारी hmm. पंजाबी फिल्म सो so, अगर उनकी फिल्म यहाँ पे आ रही तो हमारी पंजाबी फिल्म या हमारी उर्दू फिल्म जो भी है स्पेशली पंजाबी फिल्म के लिए मैं कहूँगा hmm. अगर वो वहाँ जा रही है तो वी कैन लुक फॉर गुड बिजनेस मम्मी दोबारा मैंने भी देखी थी <laughs> mm -hmm. एक पूरा महीना रोज़ रात को बैठ कर देखती थी तुम्हारे सीन तो बहुत शौक से देखती थी दोबारा के बाद दोबारा कोई फिल्म वहाँ करने का इरादा है कि नहीं uh, let's see if, uh, there's a good offer. अच्छा बताओ कि जब तुम स्क्रिप्ट फिल्म सोचते हो फिल्म करते हो रोल देखते हो स्क्रिप्ट देखते हो तो तुम लाइक एज एन इंटेलिजेंट पर्सन डोंट यू फील एट टाइम्स कि हमारे आर लैकिंग जो

तो हमारे यहाँ होता ये कि एक तो बहुत कम स्टार्स होते हैं जब, जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसा हमारा बहुत कम होते हैं जैसा हम क्रॉस द बॉर्डर या आप हॉलीवुड ले लो वहाँ पे किसी भी रोल के लिए कोई भी एक्टर उनके पास होता है लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम होता है तो इसलिए सारा जो बोझ होता है उस वक्त का जो आपने दो तीन फिल्म्स हिट दी हुई है उस बंदे पे वो बोझ आ जाता जा है हाँ यार ये फिल्म हिट करा रहा है इसको सारी फिल्म्स दे दो तो उसके बीच में आपको ये नहीं पता चलता ऑब्वियसली यू आर मेकिंग मनी बट उसके बीच में ये नहीं पता चलता कि आप क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो ना hmm. <coughs> hmm. मैं सेल्फ uh, hmm. कोई एक साल डेढ़ साल हो गया मुझे फिल्म को uh, ना करते हुए ना गॉट दैट पावर टू से नो सुना टीवी काम कर रहे हो आजकल टीवी पे काफी काम कर रहे मोमी लवली